now we have already discussed the scope of monetary economics as a subject then we discussed scope of monetary theory as a branch of monetary economics and finally we have discussed scope of monetary policy which is another branch or the second branch of monetary economics now we start topics in monetary economics अब हमारा लेक्चर का जो इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के सब ब्रांचेस का वो कंप्लीट हो गया तो हम अब इस पे जाना चाहेंगे कि हमारे एक्चुअल टॉपिक्स मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होते हैं वो ओवरव्यू था अब हम डिटेल में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है चूंकि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स डील मनी से करता है तो पहला टॉपिक जिसपे मैं जाना चाहूंगा वो है मीनिंग ऑफ मनी मनी किसको कहेंगे और मनी से रिलेटेड फिर बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि आपको अगर याद हो तो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स में मैंने कहा था था तीन इश्यूज हैं उनमें से जो पहला इशू वो मनी से रिलेटेड है तो मनी के बारे में हमने काफी चीजें डिस्कस करनी है लेकिन पहला सवाल ये होगा कि हमें ये तो पता हो कि मनी क्या है तो मनी का मीनिंग डिस्कस करना है इसमें क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए वो ये है कि जो इकोनॉमिक्स में मनी का मीनिंग हम इकोनॉमिस्ट लेते हैं और जो डेली लाइफ में जनरली लोग मनी का मीनिंग लेते हैं उनमें समटाइम डिफरेंस होता है तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को या किसी भी इकोनॉमिस्ट को ये क्लियर करना होता है कि मनी से हम क्या मुराद ले रहे हैं इकोनॉमिक्स में और मनी से मुराद डेली लाइफ में जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो इसको कैसे लेते हैं या हम भी डेली लाइफ में मनी का वर्ड कहां यूज करते हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट है मनी और करेंसी ये भी हो सकता है हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि मनी ये है या ये करेंसी है तो मनी की बात और करेंसी की बात एक जैसी हो जाती है इसी तरीके से हम सम टाइम डेली लाइफ में मनी और वेल्थ को एक समझते हैं दौलत और पैसा इसको एक ही चीज समझा जाता है अब ये भी एक डेली लाइफ का यूज है लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम वेल्थ और मनी में फर्क करते हैं इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मनी और इनकम अब डेली लाइफ में आप चले जाएं तो ये कहते हैं ये बहुत पैसा कमाता है अब वो है उसकी आमदनी तो इनकम आमदनी और मनी ये दो डिफरेंट चीजें हैं तो वो पैसा नहीं कमाता वो आमदनी है उसकी तो ये क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर हम सबसे पहले इस पे जाना चाहेंगे ताकि हम ये क्लियर हो जाएं कि मनी क्या है क्या मनी वेल्थी है क्या मनी करेंसी है क्या मनी इनकम है ताकि हम उसी के हिसाब से अगले सारे टॉपिक्स में मनी के बारे में क्लियर हो कि जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या तो सबसे पहले ये है कि मनी और करेंसी तो मनी के बारे में जो डेफिनेशन है जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और इस वक्त भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मनी से मुराद ये है कि जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर इन द रीपेमेंट ऑफ डेट तो आप कर्ज उतारना चाह रहे हैं या अशियाओ खिदमात गुड्स एंड सर्विसेज बाजार से खरीदना चाह रहे हैं तो जिस चीज के बदले खरीद सकते हैं जो अगला देने वाला बेचने वाला आपसे एक्सेप्ट कर सकता है हम उसको मनी कहेंगे अब सवाल यह है कि क्या ऐसी चीज करेंसी नहीं है कि अगर आपके जेब में करेंसी नोट हो और आप जाके मैंगोज खरीदना चाहें बाजार से तो क्या आपको करेंसी नोट एक हजार रुपए का नोट हो एक सौ रुपए का नोट हो क्या उसके बदले नहीं मिलेगा तो अब अगर मनी की डेफिनेशन यह है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है या कर्ज उतारने के लिए एक्सेप्टेबल है और अगर आप आम लेने जाएं मैंगोज लेने जाए और वो आपको हजार रुपए के नोट सौ रुपए के पांच के नोट के बदले मिल जाए तो हम कह सकते हैं ये करेंसी मनी है तो इसका मतलब है करंसी मनी होती है इसमें इकोनॉमिक्स में भी यही इसका मीनिंग यह सिर्फ नहीं, नहीं करनी हो जैसे आपने क्या किया? खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी आपने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में सारी कैश हो और उससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बल्कि उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं आप चेक लिख सकते हैं चेक लिखने के लिए जरूरी है कि आपके बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए और उसमें डिपॉजिट मौजूद होना चाहिए उतनी अमाउंट का जितना आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जो चेक है वो भी मनी है तो पहली बात क्लियर हो गई करेंसी मनी है चेक मनी है अब दूसरी बात कि क्या वेल्थ और मनी में भी कोई फर्क है हमें एक बात क्लियर हो गई कि मनी और करेंसी में फर्क इस तरह नहीं है या मनी और चेक में इस तरह फर्क नहीं है कि उसको हम मनी कह सकते हैं लेकिन दूसरा सवाल यह है, क्या हम वेल्थ और मनी में, में भी डिफरेंस करें या नहीं करें तो इसमें बड़ा क्लियर है कि वेल्थ दौलत है दौलत गाड़ी को भी कहते हैं वो मनी नहीं है दौलत रुपए पैसे को भी कहते हैं वो मनी है दौलत गोल्ड को भी कहते हैं वो मनी नहीं है दौलत घर को भी कहते हैं वो मनी नहीं है इसका मतलब है वेल्थ और मनी में फर्क होता है करेंसी और मनी में नहीं होता लेकिन वेल्थ और मनी में होता है तीसरी चीज मनी और इनकम क्या आमदनी और मनी एक ही चीज है यह भी जरूरी नहीं है जब कोई बंदा कोई काम करता है उसे उसके बदले में आमदनी इनकम मिलती है वेज मिलती है सैलरी मिलती है वो सैलरी किसी मोड में भी हो सकती है वो चेक की फार्म में भी हो सकती है डिपॉजिट में वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कोई फार्मर है और वो अब लेबर को हायर करता है और वो वीट प्रोड्यूस करता है तो वीट की फार्म में भी हो सकती है तो आमदनी एक अलग चीज है अब मसलन अक्सर सर्वेज होते हैं जिनमें यू पूछा जाता है कि आप जो अपनी इनकम है वो कैसे वसूल करते हैं कैसे रिसीव करते हैं जैसे बाय कैश करते हैं बाय चेक करते हैं या किसी और मोड में करते हैं तो इसका मतलब है इनकम के तो कई मोड्स हो सकते हैं मनी उनमें से एक है तो इसका मतलब है मनी और इनकम एक चीज नहीं है मनी और वेल्थ एक चीज नहीं है मनी वेल्थ का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन मनी और करेंसी मनी और चेक ये एक ही चीज है थैंक यू